क्योंकि जब आप ये जान लेंगे कि रेलेटिव मैथ्स क्या है देन ही आप रेलेटिविक मैथ को स्टडी कर सकते हैं चलिए जी मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप एक किलोग्राम मैंगोस ले लें या अगर आपको एक किलोग्राम जो फ्रूट है या मैंगोस है उसको मैयर करना है तो आप कैसे करेंगे उसका एक सिंपल सा आंसर है हम जो बैलेंस है उसके एक साइड पर एक किलोग्राम का कोई स्टोन या कोई और चीज़ रखेंगे दूसरी साइड पर मैंगोज रखेंगे जब उनका वेट इक्वल हो जाएगा हम कहेंगे कि जो मैंगोज हैं, उनका जो मैस है वो कितना है वन किलोग्राम तो अब देखें जरा हमने यहां पर सिंपल से आपसे बात की वो ये है कि वट इज द रिलेटिव मैस रिलेटिव मैस क्या है डियर स्टूडेंट यहां पर जो मैंगोज का मैस है ये जो मैंगोज रखे ये मैस असल में क्या है दिस मैस इज अ रेलेटिव मैस अब ये जो मैस है मैंगो का ये मैंगो का रिलेटिव मैस किसका है इसके साथ है क्योंकि आपने मैंगोस का जो मास है उसको कंपेयर किया है जो मास इस वक्त मैंगो का है वही मास इस वक्त वन के जी स्टोन का है तो इसका मतलब है ये जो मैंगोस का मास है इट इज़ द रिलेटिव मास ऑफ द वन किलोग्राम स्टोन क्योंकि ये आपने इससे क्या किया रिलेट किया है तो डैट्स वाई इट इज़ द रिलेटिव मास ऑफ द वन किलोग्राम स्टोन Is it clear? अब दूसरी बात अगर ये तो हमें समझ में आ गया कि ये रेलेटिव मैस हो गया अब ये जो वन किलोग्राम का स्टोन है जिसको आपने एज ए यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया है डियर स्टूडेंट हम इसको क्या नाम देंगे दिस वन इज नोन एज स्टैंडर्ड यूनिट ये क्या आ गया स्टैंडर्ड यूनिट अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर आपको वन किलोग्राम मैंगोज या कोई और वेजिटेबल या फ्रूट वगैरह लेना है तो आपको उसका रिलेटिव मैस करना पड़ेगा उस स्टोन के साथ अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप इस बैलेंस की एक साइड पर वन किलोग्राम रखें और दूसरी साइड पर यहां पर अगर हम एक एटम रखने की कोशिश करते हैं एक साइड पर आपने क्या रखा है एक साइड पर डी स्टूडेंट आपने रखा है एटम और जो दूसरी साइड है दूसरी साइड पर आपने क्या रखा है एक वन किलोग्राम वेट रख दिया तो डियर स्टूडेंट इस वक्त क्या होगा क्या इस वक्त मैथ में यह हो सकेगा हरगिज नहीं यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर हमें एक एटम का मैथ फाइंड करना है तो हम ये स्केल इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि जो एटम होगा वो उसका जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी एटम के मास को फाइंड करना है उसको कंपेयर करना है उसको रिलेटिव किसी चीज़ के साथ रिलेट करके समझना है या उसको मैयर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम ये यूनिट तो इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे तो डियर स्टूडेंट अगर मैं बात कर लेता हूँ सिंपली आपसे कार्बन की अब कार्बन का जो एटॉमिक मैस होता है वो कितना होता है ट्वेल्व और जो रेलेटिव अटोमिक मैस है, रेलेटिव अटोमिक मैस के अंदर जो पहली टर्म हम इस्तेमाल करेंगे वो है रिलेट वो है आपके पास कार्बन टवेल्व अब यहां पर कार्बन ट्वेल्व का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट कार्बन ट्वेल्व इसको इसलिए कहते हैं कार्बन के आइटम को कार्बन ट्वेल्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बन के जो एटम है उसके जो अटोमिक मैस है वो कितना है वो है ट्वेल्व इसी वजह से हम कार्बन को क्या नाम देते हैं कार्बन ट्वेल्व भी कहते हैं अब सपोज डैड इधर वाली साइड पर डियर स्टूडेंट मैंने एक कार्बन का आइटम रख दिया कार्बन ट्वेल्व और इधर वाली साइड पर भी मैंने एक कार्बन ट्वेल्व रख दिया जो मैथ है वो दोनों का क्या है इक्वल है जो बैलेंस है जो सिस्टम है आपके पास वो एक स्टैंडर्ड बैलेंस हालत में है अब यहां पर देखें डियर स्टूडेंट यहां पर जो कार्बन टवेल्व है अगर मैं इस कार्बन ट्वेल्व को बारह छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दूँ अब सोचने की बात है भी मैं कार्बन के एटम को या कार्बन ट्वेल्व को बारह छोटे हिस्सों में डिवाइड क्यों कर रहा हूं उसकी रीज़न ये है कि जो कार्बन ट्वेल्व होता है कार्बन ट्वेल्व का जो अटामिक मैस है वो है ट्वेल्व अगर सपोज डेड मैं इस कार्बन के एटम को ट्वेल्व पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ कुछ इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व अब इसको आप कंपेयर करके देखें क्या इस वक्त इधर वाले जो साइड है वो इसके इक्वल होगी या नहीं बिल्कुल दोनों साइड एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे इसका मतलब यह है कि जो कार्बन है इस कार्बन का जो मैस है वो क्या होगा आप कहेंगे मैस ऑफ कार्बन किसके इक्वल है कार्बन के एटम का जो मैस है वो किसके इक्वल है वो इक्वल है स्टूडेंट 12 यूनिट्स ट यूनिट्स ऑफ कार्बन कार्बन का ट्वेल्व यूनिट्स के इक्वल है इज इट क्लियर यानी कि मैंने क्या किया मैंने कार्बन का एटम जो कार्बन ट्वेल्व है उस कार्बन ट्वेल्व को बारह इक्वल पार्ट्स के अंदर इक्वल यूनिट्स के अंदर इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और देन मैंने क्या किया इसको बारह इक्वल पार्ट्स में डिवाइड इसलिए किया क्योंकि इसका अटोमिक मैच था बारह तो एक यूनिट एक, 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 एक में मैंने बराबरली डिवाइड कर दिया

ये नीचे की तरफ आ गया यानी कि इधर जो मैस है वो इस वक्त क्या है भारी है और उधर वाली साइड पर जो मैस है वो थोड़ा कम है क्योंकि इधर कार्बन के कितने यूनिट्स हैं कार्बन का ट्वेल्व यूनिट्स इधर है और इधर मैंने क्या रखा सिर्फ ऑक्सीजन का एक एटम रखा ऑक्सीजन का एटम रखने से जो बैलेंस सिस्टम है वो थोड़ा नीचे चला जाएगा ये ऊपर चला जाएगा इसका मैस कम होगा इसका मैस क्या हो गया ज्यादा हमें दोनों को इक्वल पे लाना है ताकि हम ऑक्सीजन के मैस को कंपेयर कर सकें तो मैं क्या करूंगा डियर स्टूडेंट दो चार मोर यूनिट्स होंगे कार्बन के कितने units? मैंने कार्बन के जो स्मॉल हैं इन चार यूनिट्स को मजीद यहां पर प्लेस कर दिया वन टू थ्री और फोर जब मैंने इन चार यूनिट्स को मजीद प्लेस कर दिया उसके बाद क्या हुआ ये जो बैलेंस सिस्टम था ये एक दूसरे के इक्वल आ गए एक जगह पर आ गए इसका मतलब यह हुआ कि जो ऑक्सीजन का एटम है ऑक्सीजन के एटम का जो मैस होगा वो कितना होगा वो ट्वेल्व यूनिट्स तो पहले थे और कितने मैंने ऐड किए मैंने फोर मजीद ऐड कर दिए तो अगर आपको ऑक्सीजन के एटम का रिलेटिव मैस लिखना है रिलेटिव मैस का मतलब आप इसको रिलेट कर रहे हैं किसके मैस के साथ कार्बन ट्वेल्व के मैस के साथ और कार्बन ट्वेल्व का जो मास है हमने उस मास को कितने यूनिट्स में डिवाइड कर दिया था बारह यूनिट में राइट तो 12 यूनिट तो पहले थे चार यूनिट मैंने ऐड कर दिया इसका मतलब अगर आप डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन का मैस लिखते हैं मैस ऑफ ऑक्सीजन तो आप क्या लिखेंगे आप लिखेंगे ऑक्सीजन का जो मैस होगा डेट विल बी इक्वल टू सिक्सटीन यूनिट ऑफ कार्बन ट्वेल्व सिक्सटीन यूनिट्स ऑफ कार्बन ट्वेल्व और अगर आप कार्बन का लिखना है तो आप क्या लिखेंगे इट इज इक्वल टू टूनिट्स ऑफ कार्बन ट्वेल्व ये कार्बन ट्वेल्व के कितने यूनिट्स के इक्वल है ट्वेल्व यूनिट्स के इक्वल है इसी तरह से डीएर स्टूडेंट अगर मैं फाइंड करता हूं मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं कहता हूं जी मैं फाइंड करने वाला हूं मैस ऑफ सोडियम सोडियम का जो मैस होता है डी स्टूडेंट वो होता है ट्वेंटी थ्री अब जैसे ही मैंने सोडियम का जो आइटम है इधर प्लेस किया प्लेस करने के नतीजे में क्या हुआ ये इधर वाली जो साइड थी वो नीचे चली गई इधर वाली साइड जिसमें मैंने ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटी यूनिट प्लेस किए थे वो ऊपर चले गया अब मैंने क्या किया ये वाला ऊपर चला गया ये नीचे आ गया तो मैं मजीदी यूनिट ऐड करता जाऊंगा मैंने मजीद क्या किया मैंने मजीद डियर स्टूडेंट इसमें सात यूनिट ऐड कर दिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन मैंने सेवन यूनिट मजीद ऐड कर दिए जैसे ही मैंने सेवन यूनिट मज़ीद ऐड किए सेवन यूनिट मजीद ऐड करने का जैसे ही किए जो बैलेंस सिस्टम था वो एक दूसरे के इक्वल आ गया तो अब देखें जरा पहले कार्बन के ट्वेल्व यूनिट्स मौजूद थे फोर यूनिट देन मैंने ऐड किए हुए थे जब मैं कंपेयर कर रहा था ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन का तो ट्वेल्व प्लस क्वल टू सिक्सटीन यूनिट के इक्वल आ गया लेकिन अगर हमने सोडियम का फाइंड करना है तो मैंने मजीद सेवन यूनिट ऐड कर दिया था अब इसको टोटल को आप ऐड करोगे तो वो कार्बन के कितने यूनिट्स के इक्वल होगा कितनेक्वल टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री यूनिट्स ऑफ कार्बन ट्वेल्व ये कार्बन ट्वेल्व के कितने यूनिट्स के इक्वल आ गया 23 यूनिट्स के अंदर इक्वल आ गया तो डियर स्टूडेंट्स देखें इस तरह आपने जो एटॉमिक मास है वो एक एटम का मैथ फाइंड कर लिया जैसे कि आपने ऑक्सीजन का मैथ फाइंड कर लिया आपने सोडियम का मैथ फाइंड किया लेकिन वो मैथ तो फाइंड किया लेकिन किसके साथ कंपेयर करके फाइंड किया कार्बन ट्वेल्व के साथ आपने कंपेयर करके फाइंड किया उसको आप नाम दे देंगे रेलेटिव अटोमिक मैथ का नाम दे देंगे कि एटम का मैथ तो फाइंड किया लेकिन आपने उसको रिलेट किया कार्बन ट्वेल्व के साथ कार्बन ट्वेल्व के ट्वेल्व यूनिट्स के साथ इज इट क्लियर ये होगा आपका रेलेटिव अटोमिक मैथ अब आप आ जाए अटोमिक मैथ यूनिट की तरफ अब अटोमिक मैथ यूनिट क्या होता है डियर स्टूडेंट देखें जरा हमने आपसे कहा था कि जो कार्बन है कार्बन जो कार्बन ट्वेल्व था कार्बन ट्वेल्व को हमने इक्वल uh, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने उनको इक्वली डिवाइड कर दिया था ट्वेल्व पार्ट्स के अंदर कितने यूनिट्स में डिवाइड किया था ट्वेल्व यूनिट्स के अंदर हमने क्या कर दिया था उसको डिवाइड कर दिया था अब अगर आपसे कहा जाए कि वो जो ट्वेल्व यूनिट्स हैं ये इस तरह से ट्वेल्व यूनिट्स बना देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व इन ट्वेल्व यूनिट्स में से जो एक यूनिट होगा जैसे अगर इन ट्वेल्व यूनिट में से अगर मैं कोई एक यूनिट ले लेता हूं जैसा कि मैंने ये वाला यूनिट ले लिया ये जो एक यूनिट होगा ये कहलाएगा अटोमिक मास यूनिट बात समझ में आई पहले हमने सिंपल देखा था रेलेटिव हो होता क्या है जैसे रिलेटिव मास का हमने बताया कि रिलेट किया था मैस उस वक्त जो स्टोन था जिसके साथ आप रिलेट कर रहे थे वो स्टोन क्या कहला रहा था वो स्टोन कहला रहा था स्टैंडर्ड यूनिट वो स्टैंडर्ड यूनिट कहला रहा था लेकिन जब आपने रिलेटिव अटामिक मैस एक एटम के मैथ को रिलेट करके फाइंड किया उस वक़्त जो कार्बन ट्वेल्व के जो बारह यूनिट्स थे उन बारह यूनिट्स में से अगर मैं एक यूनिट ले लेता हूँ वो जो एक यूनिट है वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा अटामिक मैस यूनिट कहलाएगा और हम इसको सम टाइम हम इसको कहते हैं डियर फ्रेंड्स यूनिफाइड मैथ का नाम भी देते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक सैम्बल इस्तेमाल करते हैं ए एम यू का इस्तेमाल करते हैं सैम्बल लेकिन अब हम ए एम यू के बजाय सिर्फ यू इस्तेमाल करते हैं और उस यू का जो मतलब होता है वो है यूनिफाइड मैथ एटॉमिक मास को अब ए एमयू की फॉर्म में नहीं बल्कि यूनिफाइड मास की फॉर्म में भी लिखा जाता है अगर कार्बन को हमने बारह बराबर यूनिट्स में या हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और वो जो यूनिट्स हैं अगर उन बारह यूनिट्स में से मैं एक यूनिट ले लेता हूं बारह यूनिट में से एक यूनिट ले लेता हूं तो वो एक यूनिट क्या कहलाएगा वो कहलाएगा अटोमिक मैस यूनिट तो इसी वजह से मैंने यहां पर लिखा है अटामिक मैस यूनिट इज इक्वल टू वो बराबर होगा सिर्फ एक पार्ट के और वो एक पार्ट किसका होगा ट्वेल्व कार्बन यानी कि कार्बन का टोटल पार्ट्स कितने हैं वो हैं ट्वेल्व बारह यूनिट्स हैं उन बारह यूनिट्स में से अगर हम एक यूनिट को देखते हैं तो वो जो एक यूनिट का मैस होगा वो कहलाएगा रेलेटिव अटामिक मैस यूनिट कहलाएगा